साल की किताब और उसका 15वां बाब उसकी तीसरी आयत को हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चंद बातें आपसे करना चाहता हूं। और उनमें से पहली बात तो खुशी की यह है कि जब हम इन बच्चों को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, सारा को देखते हैं, दूसरे बच्चे जब खुदाम के लिए गाते और बजाते हैं, तो मुझे रसूल मोहब्बत के दूसरे खत में से उसकी चौथी पहले बाप की चौथी आयत हमेशा याद आती है इन बच्चों को देख के। गौर से तवज्जो से सुने, ये बड़ी हौसला अफजा बात है हमारे लिए। लिखा है कि मैं बहुत खुश हुआ, रसूल कहता है मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने तेरे बाज लड़कों को उस हुक्म के मुताबिक जो हमें बाप की तरफ से मिला था हकीकत में चलते हुए पाया। आमीन। रसूल कहता है उस बरगजीदा बीबी को जिसके नाम ये खत लिखा गया है, लिखा है कि कहता है कि मैं बहुत खुश हुआ जब मैंने तेरे बाज लड़कों को उस हुक्म के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, मसीह के फरमान के मुताबिक चलते हुए पाया। लेकिन यहां पर एक लफ्ज जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, वो बाज का लफ्ज है। खुदा का कलाम यह बयान करता है कि रसूल उस बरगजीदा बीबी की और इनडायरेक्टली उन खानदानों की, उन जिंदगियों की हौसला अफजाई करता है और उनके लिए खुशी का इजहार करता है जिनके बेटे बेटियां खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं। और इसी तरह से खुदा का खादम जो होता है सारी कलीसिया का, वो एक तरीके से रूहानी बाप होता है। जब वो अपनी कलीसिया को, लोगों को खुदा के कलाम के मुताबिक चलता है तो उसे भी शादमानी और खुशी होती है। लिहाजा मैं बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं और बाकी वालदैन से भी ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी अपने बच्चों की इस तरबियत के लिए जरूर कोशिश करें, खुदा के कलाम को पढ़ने का मामूल बनाएं, दुआ को मामूल बनाएं, वो खुदावंत की प्रस्तुति करें, इबादत करें। और यकीन करें, सोशल मीडिया बता रहा है कि आने वाले वक्त में, बल्कि आ चुकी है, बदी की जो यलगार दुनिया के अंदर शुरू हो चुकी है, उससे मेरे अजीजों हमें कोई चीज नहीं बचा सकती सिवाय खुदा के कलाम के, सिवाय खुदा बाप की रफाकत के, सिवाय दुआ और बंदगी के। इसलिए इन चीजों के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात आपसे यह करना चाहता था कि दाऊद ने बड़ी जबरदस्त बात दुआ में की, एक लफ्ज इस्तेमाल किया तकदीस का, और बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ा बड़ा ये जामे लफ्ज है कि ये अयाम हमें तकदीस के लिए दिए गए, अपने आप को पाक करने के लिए दिए हैं, तजदीद के लिए दिए गए, नया बनाने के लिए ये दिन हमें दिए गए हैं, ताकि हम मसीह के उन दुखों को जान सकें, मसीह के खून की कदरों कीमत को पहचान सकें और अपनी जिंदगियों की इसलाह कर सकें। इसलिए आपको पता है कि अगला वीक जो है वो हमारा बड़ा अहम होगा, पाम संडे उसमें आएगा, खजूरों का आत्वार होगा, और फिर वो पूरा हफ्ता जो वो बड़ी अहम इबादत का होता है, और उसमें बड़ी स्पेशल इबादत जो होती है वो गुड फ्राइडे की होती है, और उसके बाद फिर ईस्टर की इबादत होती है, शाम कलवरी के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम उस पूरे हफ्ते में होते रहते हैं।
लिहाजा खुदा की शुक्रगुजारी भी करें और तैयारी भी करें इस बात के लिए कि खुदावंद उस पूरे वीक में हमें लायक तौर पर अपनी जिंदगियों को खुदावंद के लिए तैयार करने का फजल बख्शे। आज जो आयत हमारे सामने पेश पड़ी गई है, अमसाल की किताब उसका 15वां बाब तीसरी आयत है, जरा देखें गौर से। खुदावंद की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों की निगरान है। आज हम थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करेंगे भाई कि खुदावंद की आंखें हर जगह हैं, वो नेकों और बदों दोनों की निगरान है। आमीन। इस बात पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। और जैसे दुआ में कहा गया, आप सब भी जानते हैं कि आजकल जो है ये रोजों के अयाम है और हमने इस महीने में थोड़ा सा हटके सीखा है, इसलिए कि रोजों की जो आम तालीमात हैं वो तो हर एक चैनल पर हर चर्च में सुनाई जाती हैं, लेकिन हमें खुदा ने ये बोझ दिया था कि हम इस महीने में उन बातों की तरफ तवज्जो करें जो रोजों में करने की जरूरत है। आमीन। जो रोजों में करने की जरूरत है, कलाम ये बयान करता है कि हम इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। खुदा का कलाम ये बयान करता है, इसलिए आज हम देखेंगे खुदावंद की आंखें हर जगह हैं, वो नेकों और बदों दोनों की निगरान है। आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि रोजे का मुबारक वक्त जो होता है, बाबरकत वक्त जो होता है, ये अयाम जो होते हैं हमें खुदा के बहुत करीब कर देते हैं, बहुत करीब कर देते हैं। खुदा के अजीम खादिम ने बड़ी खूबसूरत बात कही, उन्होंने ईमानदार की दुआ रोजे के तलक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब एक शख्स दुआ में ठहरता है, रोजे में ठहरता है, वो खुदा की ऐसी हजूरी और ममूरी में चला जाता है कि वो खुदा को अपनी आंखों से देखता है। ऐसी हजूरी में चला जाता है, दुआ में इतना गहरा हो जाता है, प्रस्तुति में ऐसा आगे चला जाता है, वो इस तरह से हो जाता है गोया वो खुदा को अपनी आंखों के सामने देखता है, खुदा की हजूरी को, मामूरी को अपनी जिंदगी में फील करता है। और फिर कहता है कि अगर ऐसा नहीं तो कम से कम वो ईमानदार ये जरूर महसूस करता और उसे करना चाहिए कि कम से कम खुदा उसे जरूर देखता है। और वही बात खुदा का बंदा यहां कहता है, खुदावंद की आंखें हर जगह है, वो नेकों और बदों दोनों की निगरान है। रोजों के ये जो बाबरकत अय्याम है हमें खुदा के बहुत करीब कर देते हैं, हम दुआ इबादत प्रस्तुत कलाम के जरिए से खुदा के बहुत करीब चले जाते हैं, हमारे अंदर यह एहसास होने लगता है हम खुदा को देख सकते हैं, हमारे अंदर यह एहसास यकीन दहानी पैदा हो जाती है खुदा हमें देखता है मेरे अजीजों। और जैसे कहा गया कि तकदीस के दिन होते हैं, लिहाजा इस बात को जानने की जरूरत है, खुदावंद की आंखें हर जगह है, वो नेकों और बदों दोनों की निगरान है। जब हम कलाम मुकद्दस के हिस्से पर गौर करते हैं तो हम ये सोचते हैं जाती तौर पे कि बदों के बारे में तो ये बात ठीक है, बदों के बारे में तो ये बात ठीक लगती है, खुदा उनकी निगरानी करे, खुदा उनकी अदालत करे, खुदा उनका हिसाब किताब रखे, लेकिन नेकों के बारे में क्यों लिखा हुआ है कि नेकों और बदों दोनों की निगरान है। तो मेरे अजीजों, हम खुदा की शफकत के लिए, उसके गहरे कलाम के लिए, उसकी गहरी मोहब्बत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें, इसलिए कि कलाम के हिस्से में खुदा का कलाम में यह सिखाता है कि अगर खुदा की आंखें बदकार की बदों की बदी को देखती रहती हैं, तो फिर खुदा का कलाम यह बयान करता है ईमानदारों की, खुदा के बेटों बेटियों की, नेकों की उस नेकी को भी देखते रहती हैं, उस भलाई को भी देखती रहती हैं जो वो इस दुनिया के अंदर करते हैं। कई दफा हम देखते हैं हमारे खानदानों में, जिंदगियों में हमारे साथ बड़ा नारवा सलूक किया जाता है, हम दिल ही दिन में कुड़ते रहते हैं, लेकिन खुदा हौसला अफजाई करता है कि इस शख्स की बदी और तेरी भलाई जो है वो दोनों मेरे सामने हैं और मैं इस बात का अजर दूंगा। बदकार की शरीर की, खुदा का कलाम यह बयान करता है, अदालत की जाएगी और तेरी हमायत की जाएगी, उसे सजा दी जाएगी, तुझे जजा दी जाएगी, उसे जहन्नम में झोंका जाएगा, तुझे अजर दिया जाएगा खुदा की बादशाही का, इसलिए कि खुदा सब कुछ जानता और देखता है। मेरे जीजो, खुदा का खादिम बड़ी खूबसूरत बात सिखा रहा था इस तलक से कि उसने कहा बाइबल पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, कलामे मुकद्दस पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके बावजूद हमारी जिंदगियां साबित करती हैं कि हमारे अंदर यह एहसास पैदा नहीं होता कि खुदा मुझे देखता है, खुदा की आंखें हर जगह है,
दुआ करना बड़ी जरूरी बात है, लाजम बात है, ईमानदार का वतीरा है, लेकिन हमारे अंदर यह एहसास बहुत कम पैदा होता है कि जब हम चर्च से निकलते हैं तो हमारी जिंदगियां तब्दील हो, हमारे अंदर यह एहसास पैदा हो कि हमें खुदा के हुजूर जाकर हिसाब किताब भी देना है, कोई हमें देखता है। प्रस्तुत करते हैं, बड़े बड़े पास्तार हैं, लेकिन सॉरी टू से बड़ी माजरत से कहता हूं कि उनकी जिंदगियों को देखें खुदा के खौफ से खाली है। मेरे चीजों उसका कहने का मतलब यह था, खुदा का खादिम कहता था कि अगर ये अकीदा बाइबल मुकद्दस का सिर्फ यही अकीदा इंसान की जिंदगी में कायम हो जाए कि खुदावंद की आंखें हर जगह है, वो नेक और बदों दोनों की निगरान है, वो दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी कामयाब हो जाए, वो अपने घर में भी कामयाब हो जाए, अपने बिजनेस में भी कामयाब हो जाए, अपने काम की जगह पर भी, खुदा का कलाम कहता वो भाई से बरकत बन जाए, अगर सिर्फ एक अकीदा उसकी जिंदगी में हो, इस बात का ईमान उसकी जिंदगी में हो, खुदावंद की आंखें हर जगह हैं, वो नेकों और बदों दोनों की निगरान है, वो मेरी नेकी को भी जानता है, वो मेरी बदी को भी जानता है, जो मेरे साथ बुराई करता है वो उससे भी बदला लेने की कुदरत रखता है, जो मैं भलाई करता हूं वो उसका अजर देने वाला खुदा है, क्योंकि उसकी आंखें हर जगह है। हमारे खुदा के बारे में पता क्या लिखा है, आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पांव की चौकी, यानी सारी चीज उसके कब्जा कुदरत के अंदर है, उसकी आंखों के अंदर है। लेकिन बारहा मेरे जीजो हमारी जिंदगियों से क्या साबित होता है, कैसे लगता है हमें कोई देखने और पूछने वाला जो है वो नहीं है। किसी ने बड़ी खूबसूरत कही कि बात कही कि आज आप देखते हैं चर्चेस के अंदर भी, आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, आप स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां पे कैमरे लगे हुए, और चोर भी चोरी करने से डरते हैं क्योंकि वो कैमरे की आंख से डरते हैं। खुदा का खादिम कहता है लोग कैमरे की आंख से डरते हैं, खुदा की आंख से नहीं डरते, ये एहसास रखते हैं कि कैमरे में रिकॉर्डिंग हो जाएगी, लेकिन ये नहीं सोचते खुदावंद की आंखें हर जगह है, वो नेक और बदों दोनों की निगरान है। खुदा का बंदा कहता है ज़बूर दाऊद, ज़बूर नवीस क्या कहता है ज़बूर 139 के अंदर, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला किधर मैं, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर, हजूरी तेरी तो छुपके मैं केड़ी, वो कहता है आसमान पर चढ़ जाऊं वहां भी तेरी हजूरी है, पाताल में उतर जाऊं वहां भी तेरी हजूरी है, सुबह के पर लगाकर समुद्र के पार चला जाऊं वहां भी तेरा हाथ मुझे ढूंढ लेगा, बल्कि यहां तक लिखा है कि तारीकी जो है जिसमें लोग छुप जाते हैं, खुदा का कलाम ये बयान करता वो भी रोशनी की मनंद, सुबह की मनंद रोशन हो जाएगी, इसलिए कि कोई चीज खुदा की आंखों से छुप नहीं सकती। मेरे अजीजो खुदा का कलाम ये बयान करता है, हमें जानने की जरूरत है खुदा उनकी आंखें हर जगह है, वो नेकों और बदों दोनों की निगरान है। आज हमें इस अकीदे को अपनी जिंदगियों के अंदर पैदा करने की जरूरत है, अपने खानदानों के अंदर पैदा करने की जरूरत है। क्यों ना तो आप किसी के साथ इतनी देर बंध सकते हैं, ना इतनी कड़ी निगरानियां कर सकते हैं, और ना ऐसी कड़ी निगरानियों से जिंदगियां सुधर सकती हैं जब तक इंसान के अंदर ये एहसास ना हो। जब बेटे बेटियां माँ बाप से दूर होते हैं, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से दूर होती है, वहां खुदा का खौफ ही उन्हें जो है वो पकीजा रख सकता है, रास्तबाज रख सकता है, बदी से दूर रख सकता है, और कोई ऐसी चीज नहीं। क्योंकि जब ये कहा जाता है खुदावंद की आंखें हर जगह हैं, नेकों और बदों दोनों की निगरान है, तो बिलाशुबा इसका यही मतलब है कि उन लोगों की जिंदगियों में इस बात का खौफ पाया जाता है, इस बात का एहसास पाया जाता है कि खुदा की आंख मुझे देख रही है। दफ्तरों के अंदर लिखा होता है खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, और उसी वक्त लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, डर जाते हैं, खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, पर कैमरा आज आजाद हो रहा है, खुदा की आंखें तो शुरू से देख रही है। तो ये जरा जोरदार तालियां लगाएं जिंदा रहो। और मेरे चीज जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं तो यहां पे क्या कहा गया, शरीरों के लिए भी ये बात कही गई है और रास्तबाजों के लिए भी ये बात कही गई है कि दोनों को खुदा की आंखें देखती रहती है, शरीर को इसलिए कि उसकी अदालत करेगी, और रास्तबाज को इसलिए कि खुदावंद उसको अजर देगा, उसकी हमायत करेगा। कलाम खुदा बयान करता है, जब हम ज़बूर 36 को देखते हैं तो जरा देखिए उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, शरीर के बारे में देखें, वो खुदा के कलाम के बारे में, खुदा की जात के बारे में क्या सोचता है। ज़बूर 36 जिनके पास बाइबल जरूर निकालें और देखें यहां पर क्या लिखा है, शरीर की बदी से मेरे दिल में ख्याल आता है, शरीर की बदी से
मेरे दिल में ख्याल आता है कि खुदावंद का खौफ उसके पेशे नजर नहीं है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि जब मैं शरीरों को देखता हूं तो पता लगता है कि उनकी जिंदगियों में खुदा का खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अपनी नजर में इस ख्याल से तसल्ली देता रहता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी और ना मकरूह समझी जाएगी। ये देखें जरा, ये शरीरों के बारे में खुदा का कलाम कितना सच्चा है। कहता वो इस ख्याल से तसल्ली देते रहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, कौन हमें देख रहा है, किसको क्या पता है। खुदा का कलाम कहता है कि उसकी बदी ना तो फाश होगी ना वो समझता है मकरूह समझी जाएगी, इसलिए उसके मुंह में बदी और फरेब की बातें रहती हैं, झूठ बोलता रहता है। खुदा के हजूर आके भी लोग वैसे के वैसे ही रहते हैं, वैसे के वैसे ही चले जाते हैं। वो दानिश और नेकी से दस्तबरदार हो गया है, वो अपने बिस्तर पर बदी के मंसूबे बांधता रहता है और वो ऐसी राय इख्तियार कर लेता है जो अच्छी नहीं। वो बदी से नफरत नहीं करता, वो बदी से नफरत नहीं करता। तो हमें पता चला खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि शरीर जो है वो बेसिकली खुदा के खौफ को अपने मद्देनजर नहीं रखता, वो ये एहसास नहीं रखता कि खुदा की आंखों से देखती हैं। अब जरा एक रास्तबाज की मिसाल देखें, बुजुर्ग अय्यूब का सहीफा उसके पहले भाग, बुजुर्ग अय्यूब का सहीफा उसका पहला भाग, इससे पीछे ही है भाई, आप पीछे चले जाए मिसाल से, पीछे मिसाल से पीछे जबूर आएगा, जबूर से पीछे ही बुजुर्ग अय्यूब नबी का सहीफा। ये देखें भी जरा तवज्जो से, मेहरबानी से सुना करें खुदा के कलाम को। लिखा है पहला भाग पहली आयत, ऊज की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था, वो शख्स कामिल था, रास्तबाज था। और आगे देखें जरा तवज्जो से, रुक के सुने उसका इंट्रोडक्शन देखें, वो कामिल था, रास्तबाज था, खुदा से डरता था और बदी से दूर रहता था। खुदा से डरता था इसलिए बदी से दूर रहता था। तो यहां पर हमें पता चला कि जो लोग यह एहसास रखते हैं कि खुदावंद की आंखें हर जगह हैं, जो अय्यूब की तरह से खुदा से डरते हैं वो बदी से दूर रहते हैं। जो खुदा का कौम अपनी जिंदगियों के अंदर नहीं रख सकते वो बदी से भी नहीं बच सकते। मेरे जी को खुदा का कलाम यह बयान करता है, इसलिए इस बात को जिंदगी में याद रखना बहुत जरूरी है। और हमेशा रात भी अपने चर्च में जब हम इस तलक से सीख रहे थे बेटों बेटियों से, हमेशा मैं ये बात कहता हूं और बेटियों से खुसूसी तौर पे, कि जो कलाम और पैगाम आपको सिखाया जाता अपनी बाइबल में उसको मेकअप किया करें, ठीक है, उसको निशानजद किया करें और उस बाइबल को अपनी बाइबल कहें, उसको टाइटल दें, दिस इज माय बाइबल, ये मेरी बाइबल है, और उस बाइबल को अपनी सारी जिंदगी संभाल के रखें ताकि जब कभी आप उसको खोलें, किसी जगह से आप पढ़ें, आपको सारी रोशनी मुंतकिल हो, वो सारा वक्त आपको याद आ जाए जब खुदा के कलाम को आपने सीखा था। खुदा का कलाम कहता है वो किस लिए बदी से दूर रहता था, इसलिए कि खुदा से डरता था। शरीर किस लिए बदी से दूर नहीं रहता, इसलिए खुदा से डरता नहीं है, उसके अंदर यह एहसास ही नहीं है कि खुदा उसे देखता है, खुदा की आंखें हर जगह है, नेकों और बदों दोनों की निगरान है। इसलिए जब हम कलाम मुकद्दस में इस तलक से देखते हैं तो जब हम पहले खानदान में अपने बुजुर्ग बाप आदम के खानदान में जाते हैं तो हमें पता चलता वहां पर इसका बड़ा जबरदस्त नमूना हमें मिलता है। उसी खानदान के अंदर एक शरीर शख्स भी है और खुदा का कलाम बयान करता है उसी खानदान के अंदर एक रास्तबाज शख्स भी है हाबिल। खुदा का कलाम यह बयान करता है ये दोनों कुर्बानी चढ़ाने के लिए गए हैं, हदियाजात गुजरने के लिए गए हैं, अबादत करने के लिए गए हैं और इसी पर लड़ाई होगी, ठीक है। कितनी अजीब बात, अबादत करने गए हैं, झुकने गए हैं, उसी पर लड़ पड़े हैं। खुदा का कलाम बयान करता है और लिखा हुआ है कि हाबल का हदिया खुदा के हुजूर में कबूल ठहरा, और फिर साथ लिखा है कि काइन का हदिया जो था उसे खुदा ने कबूल नहीं किया। और वहां बड़े तख्सीसी लफ्ज है, आप देख सकते हैं वहां पर लिखा है कि खुदा ने हाबल और उसके हदिये को देखा, काइन और उसके हदिये को देखा। आज याद रखा करें, खुदा सिर्फ आपके हदिये को नहीं देखता, हदिये को भी जरूर देखता है। खुदा का कलाम बयान करता जब उस औरत ने दो दमड़ियां डाली तो खुदा यसू मसीह ने कहा सबसे ज्यादा ना हदिये को भी खुदा देखता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे दिल को भी देखता है, हमारे करेक्टर और हमारे किरदार को भी देखता है, दोनों को देखा। हाबिल के हदियों को कबूल किया, काइन के हदियों को कबूल नहीं किया। और अब्रानियों को लिखने वाला इस वेद से पर्दा उठाता है, इसलिए कि उसके काम बुरे थे।
खुदा का कलाम यह बयान करता है, लिखा हुआ है कि इस बात से वो उलझ गए और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। मेरे चीजों खुदा का कलाम यह बयान करता है, इस तरफ दुनिया में पहला खून हुआ और खूनो कष्ट का सिलसिला वहां से दुनिया के अंदर शुरू हो गया। कलाम यह बयान करता है कि हम अगर देखें, अगर वहां पे जिस तरह से हाबिल खुदा का खौफ रखने वाला था, वो जानता था कि खुदावंद की आंखें हर जगह हैं, वो नेक और बदो दोनों की निगरान है, अगर यही सोच, यही ख्याल, यही खौफ उस शख्स के अंदर भी होता, खुदा का कलाम बयान करता तो वो भाई अपने भाई को कत्ल ना करता और खुद भी कत्ल ना किया जाता। खुदा का कलाम यह बयान करता है, उसने समझा कि मैंने अपने भाई को कत्ल कर दिया, मुझे कौन जानता, मेरे बारे में कौन जानता। वहां पे बड़े कितना खूबसूरत लिखा हुआ है, खुदा का कलाम बयान करता, जब उसने अपने भाई को कत्ल किया, जमीन में दबा दिया, तो कलाम यह बयान करता है कि खुदा ने उसकी अदालत की, उसको बुलाया क्योंकि वो निगरानी हो रही थी, कैमरा लगा हुआ था। खुदा का कलाम बयान करता है, तो जब उससे पूछा कि भाई तेरा भाई कहां है, तो उसने कहा कि खुदावंद क्या मैं अपने भाई का निगरान हूं। और वो जो जुबान वहां पर इस्तेमाल की गई, उसका मतलब ये भी है, कई दफा से भी हम ये गल्ला कर देते हैं कि मैं अपने भाई का ठेकेदार नहीं, मैनू की पता, ठीक है। तो ये बात खुदा को कह रहा है, देन खुदा ने क्या किया, फिर खुदा ने, खुदा का कलाम बयान करता है, वहां पे वीडियो चलाई, उसकी रिकॉर्डिंग चलाई। आज भी देखे ना, मुजरिम जब मुकर जाते हैं तो फिर वो कैमरे से उनको दिखाया जाता है, फिर उनका मुंह बंद हो जाता है, क्राइन का भी मुंह बंद हो गया जब खुदा ने वीडियो चलाई। उसने कहा देख जमीन से तेरे भाई का खून मुझे पुकार रहा है, मुझे पुकार रहा है। गोया कि वो सारी बातें खुदा के इलम में थी, लेकिन उस शरीर शख्स के इलम में नहीं थी। वो ये नहीं जानता था खुदावंद की आंखें हर जगह है, नेक और बदो दोनों की निगरान है। और मेरे चीजों देखें कितनी सफाई और सच्चाई से ये बात साबित होती है कि खुदा दोनों का निगरान था। आज भी लिखा है, इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि अगर चे हाबल मर गया है तो भी खुदावंद उसके जरिए से अब तक कलाम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ईमानदारों की गई खिदमत उनके जाने के बाद भी जारी और सारी रहती है, चर्च के अंदर, खुदा के खादमों के साथ, कलीसिया के अंदर, रिश्तेदारों में, असीजों में, दुनिया में, जो भी इनकी खिदमत है, हमेशा उनके जाने के बाद भी याद रखी जाती है, खुदा बाद में भी उनके जरिए से बोलता रहता है। लेकिन इस शख्स के बारे में क्या लिखा है कि उसके किसी रिश्तेदार ने आने वाले वक्त में जब खुदा ने सजा दी तो चीख उठा, खुदावंद मेरी सजा मेरी बर्दाश्त से बाहर है, मैं आवारा हो जाऊंगा। और हो गया, खुदा का कलाम यह बयान करता है, उसी की नस्ल के किसी शख्स ने उसे जानवर समझ के मार दिया, मौत के घाट उतर गया। क्या साबित हुआ, खुदावंद की आंखें हर जगह है, वो नेकों बदों दोनों की निगरान है। हाबल को उसकी नेकी का, उसके ईमान का यह अजर मिला कि खुदा ने यादगारी के तौर पर उसका नाम बाइबल में हमेशा के लिए ईमानदारों की लिस्ट में महफूज कर दिया। और खुदा का कलाम कहता है इस शरीर को तौबा का मौका ना मिला। चुनाचे आज खुदा का कलाम यह बयान करता, हमें भी ये देखने की जरूरत है। याद रखें, मैंने खुदा के खादिम की बात आपको बताई, वो कहता कि अगर यही अकीदा ईमानदार के अंदर पैदा हो जाए ना, खुदा मुझे देखता है, दैट्स इट, सारा कुछ समझ जाएगा, वो बाइबल भी पढ़ने लग जाएगा, इबादत भी करने लग जाएगा, चर्च भी आने लग जाएगा, बुरे कामों को भी छोड़ देगा, अगर सिर्फ ये अकीदा उसके अंदर है। और दूसरी तरफ अगर वो सारी बाइबल ही आती है लेकिन खुदा का खौफ उसके पेशे नजर नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं उसकी जिंदगी के अंदर। एक और जिंदगी का जिक्र किए बगैर हम रह नहीं सकते, बड़ा जबरदस्त नाम बाइबल मुकद्दस के अंदर, दाऊद उस शख्स का नाम है। कलाम मुकद्दस के अंदर आप जानते हैं, देखते हैं दो और जिंदगियां हैं, एक शाऊल है और दूसरा दाऊद। खुदा का कलाम यह बयान करता है कि ये जो शाऊल है, इसको ये एजाज मिला था कि ये इसराइल का पहला बादशाह होता। मैंने पहले भी कई दफा इस बात के लिए अप्रिशिएट किया, मैं आप लोगों को इनकर्ज किया, मुझे भी इस बात से बड़ी इनकर्जमेंट मिलती है कि जब खुदा आपको पहला होने के लिए उठाता है, आपको पहली खिदमत देता है, आप किसी खिदमत का आगाज करें, आप कितने कितने एहसास वाले एहसास वाली बात है खुदा के हुजूर, पायनियर्स बनना, किसी चीज की बुनियाद रखना कि आने वाले लोग जो इस खिदमत को जारी और सारी रखें। खुदा ने सऊल को यह एहसास दिया, लेकिन खुदा का कलाम यह बयान करता है वही बात आ गई। आहिस्ता आहिस्ता करके जब वो तख्त पे बैठा, रुपया पैसा मालो दौलत आ गए, नौकर चाकर आ गए, फौजी उसके जेरिया सर हो गई, घोड़ों और रथों का मालिक बन गया, सारा कुछ ही भूल गया। क्या नहीं जाता रहा कि खुदा की आंखें हर जगह है, मुझे देखती रहती है। खुदा का कलाम बयान करता है नाफरमानी की, खुदा ने उसे रद्द कर दिया। दूसरा शख्स जिसका नाम दाऊद है, उसको खुदा ने इंतखाब कर लिया, मुंतखब कर लिया और चुनने का फैसला कर लिया। मेरे जिजो खुदा बिला वजह ऐसा नहीं करता,
खुदा हर शख्स के दिल से वाकिफ है। जरा उस शख्स के बारे में देखें, कलाम यह बयान करता है कि यह बात सऊल को बुरी लगी और हाथ धो के पीछे पड़ गया खुदा के बंदा के, उसको मारने के लिए क्या क्या जतन उसने नहीं किए। और कलाम यह बयान करता, जरा उस शख्स का रवैया देखें, एथो शरीरां दी ते बदकारां दी ते नाफरमानां दी ईमानदारां दी पहचान हो जाती है। खुदा का कलाम यह बयान करता है कि जब सऊल और उसकी फौजियों से तलाश करते हुए एक दिन दश्त के अंदर जंगल के अंदर बसेरा किए हुए हैं, एक गार के अंदर वो छुपे हुए हैं, खुदा का कलाम यह बयान करता है कि बुजुर्ग दाऊद को इस बात का पता चलता है, वो अपने एक सलाबदार को, बरदार को साथ लेता, अपने दोस्त को, साथी को साथ लेता है और चला जाता है वहां पे। वो देखते हैं कि वो सोए हुए हैं, तारीकी का वक्त है और दोनों यानी दाऊद और उसका जो दूसरा दोस्त होता है वो दोनों साथ जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या है उस गार के अंदर सोए हुए हैं। और जो सऊल का मुंह जो है वो दूसरी तरफ है, अपोजिट साइड पे, और अगर वो चाहता तो अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर सकता। और पीछे जो उसका दोस्त था उसने मशवरा भी दिया, उसने कहा बादशाह सलामत, अगर आप हुक्म करें तो मैं इसे जमीन के साथ पैबंद कर दूं, यानी ये नेजा इसके सीने में से गुजार दूं ताकि ये पढ़ाई रखने का नहीं, ऐसे नहीं, मैं तुझे बताता हूं अपना हाथ रोक ले। उसके जुब्बा का, उसके चोगा का उसने पिछला हिस्सा थोड़ा सा काटा और बाहर आ गया। अभिषे बड़ा हैरान हुआ, बड़े परेशान हुआ कि इसी शख्स के, ये शख्स को हाथों के पीछे पड़ा मारना जाता है और मेरा दोस्त जो है दाऊद जो इसे छोड़ के वापस जा रहा है। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बाहर गए, बाहर निकले, दाऊद ने बुलंद आवाज पे पहाड़ी पे खड़े होकर पुकारा, उसने कहा सऊल सऊल सऊल। वो बाहर निकला, उसने कहा क्यों तू मेरे पीछे पड़ा, क्या मैं तेरा दुश्मन हूं? आज देख, खुदावंद ने तुझे मेरे हाथ में कर दिया था और अगर मैं चाहता तो तुझे मौत के घाट उतार सकता था, तेरी जिंदगी का कौन तमाम कर सकता था, लेकिन मैं जानता हूं तू खुदा का ममसू है और मैं जानता हूं खुदावंद की आंखें हर जगह हैं, वो नेको और बदो दोनों की निगरान है, वो मुझे भी देखती हैं, तुझे भी देखती हैं, अभिषेक को भी देखती हैं। तब अभिषेक की आंखें खुली कि ये शख्स महज सूरमाई नहीं है, ये अंदर से ईमानदार, खुदा से डरने वाला भी है। प्रेतलाल दाऊद की बड़ी खिदमत के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम तो अपनी जिंदगी में ऐसे मौके ढूंढते रहते हैं, दूसरों को जलील करने का मौका मिले, बदला लेने का मौका मिले, लेकिन खुदा का कलाम कहता है शख्स की अजमत देखें। ऐसे ही खुदा लोगों को पसंद नहीं कर लेता और उनके नाम बाइबल में नहीं लिख देता। खुदा का कलाम कहता है कि बाइबल जो है ये खुदा की डायरी है, बाइबल खुदा की डायरी है। और आपको पता है डायरी के अंदर किन लोगों के नाम होते हैं? जो खुदा के प्यारे होते हैं। डायरी के अंदर उस शख्स का नाम लिखा जाता है जो हमारा प्यारा होता है, जिससे हम दिली तौर पर अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। दाऊद का नाम खुदा की डायरी के अंदर है। खुदा का कलाम बयान करता है उसके सामने था, मार सकता था और या मरवा सकता था, अभिषेक को कह सकता था, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है उसने इस बदी से दोनों तरह से हाथ पीछे खींचा और बाहर आके उसे बता दिया कि मैं खुदा का किस कदर खौफ रखने वाला शख्स हूं। खुदा उनकी आंखें हर जगह है, वो नेको और बदो दोनों की निगरान है। अभिषेक को समझाया कि अगर ये बदी कर रहा है खुद इसका बदला पाएगा, खुदावंद इसको बदला देगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और यही देखने बाद में हुआ, खुदा का कलाम ये बयान करता है उसकी नाफरमानी की वजह से सऊल इसके बावजूद अपनी बदी से बाज नहीं आया और उसका नतीजा ये हुआ कि वो जंग के अंदर ना सिर्फ खुद मारा गया बल्कि अपने बेटों को भी उसने ज़िबह करवा दिया। और खुदा का कलाम कहता दाऊद को इस बात का बड़ा रंज हुआ और वो कई दिन तक अफसोसा रहा सऊल के लिए कि खुदा का ममसू मारा गया, और अपने भाई दोस्त के लिए बिन्यामीन के लिए जिससे वो बड़ी मोहब्बत करता था, लेकिन वो शख्स अपनी बदी से बाज नहीं आया। और इसको क्या अजर मिला? दाऊद को भागते रहने का, बर्दाश्त करने का, भूख काटने का और इतनी सारी अजियत सहने का क्या अजर मिला? खुदा ने उसे मजबला से उठाया और तख्ते शाही पर बादशाहों के साथ बैठा दिया। चुनाचे आज भी खुदा का कलाम इस आयत के जरिए से मेरे चीजों हमारी हौसला अफजाई करता है, हमें तसल्ली देता है। आज अब मैं जब क्रिश्चियनिटी की तारीख को देखते हैं तो मैं हैरान हो जाता हूं पढ़ते हुए कि किस कदर हमारे अबाजदाद ने खून के दरिया बहा दिए, हमारे बुजुर्गों ने, नौजवान बेटों बेटियों ने, बच्चों ने अपनी जानों तक के नजराने दे दिए, लेकिन मसीह का इनकार करना कबूल नहीं किया क्योंकि वे इस भेद से वाकिफ थे। खुदावंत की आंखें हर जगह है, वो नेक और बदो दोनों की निगरान है।
और अगर आज खुदा का कलाम ये हमारे पास है, खुदा का खूबसूरत खादम जमील नासर कहता है कि बाइबल हमारे पास खून के दरिया पर चलते हुए हमारे पास पहुंची है। प्रेज द लॉर्ड। और वो खून किन्होंने बहाया था? वही जिनके लिए कोहे कलवरी पर खून बहा दिया गया था। खुदा का कलाम बयान करता था, वो ये जानते थे कि हमारा खून रायगा नहीं जाएगा, ये बीज बनेगा कलीसिया का, और आने वाले वक्त में हजारों की, लाखों की, करोड़ों की, अरबों की, पूरी दुनिया में ईमानदारों की फसल उगेगी। चुनाचे आज क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। प्रेज द लॉर्ड। अपने अजदाद के लिए, उनकी मोहब्बतों के लिए, कुर्बानियों के लिए जोरदार ताली लगा। इसी तरह से आपसे भी यह कहना चाहता हूं कि अगर आज आप दुख उठा रहे हैं वक्ती तौर पे, किसी हवाले से, आप माली लिहाज से, खानदानी सतह पे, किसी भी हवाले से कोई ऐसी परेशानी आपकी जिंदगी में है, घबराए नहीं, परेशान नहीं है। बेटे बेटियां अपने खानदानों में परेशान ना हो, खुदावंद आपके साथ है। जब आपको यह तसल्ली है खुदावंद मेरी पनाह है, वो मेरा बुर्ज है, तो मेरे जीजो फिर वो आपके लिए खड़ा हो जाएगा। क्योंकि खुदा का कलाम ये बयान करता है, सिखाता है कि खुदावंद की आंखें हर जगह है, उन्हें को मदों दोनों की निगरान है। जब हम बनी इसराइल की तारीख को देखते हैं तो मेरे मजीदों में पता चलता है कि एक दिन, दो दिन, या चार साल या पांच साल की बात नहीं है, पूरे 430 साल की बात है। फिराउन से वो दुख उठा रहे थे, फिराउन के हाथ से जुल्म उठा रहे थे, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है उनकी जिंदगी में फिर वो वक्त आ गया जो वो अपने बच्चों को बताते रहते थे। वो क्या कहते थे? वो कहते थे खुदा ने वादा किया है, वादा किया है कि वो किसी निजात दहिंदा को भेजेगा। खुदा ने बुजुर्ग मूसा को भेजा। 430 साल के बाद खुदा का कलाम ये बयान करता लिखा है, खुदा ने फरमाया कि मैंने अपने लोगों की जो मुल्के मिस्र के अंदर है उनकी तकलीफ खूब देखी है। देखी नहीं, खूब देखी है। और खूब देखी का मफहूम क्या होता है? जिसे आप देखते ही रहते, मैं देखता रहा हूं, खुदा फरमाता है। चार सदियां, साढ़े चार सदियां हो गई है मैं देख रहा हूं उस बात को। कितनी खूबसूरत बात है, खुदावंद की आंखें हर जगह, वो देखता है। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि बेटा को बेटी कैसे कठिन हालात में है, कैसी मुश्किल में है, कैसी परेशानी में, अज़दवाजी हालात उनके कैसे हैं, जाती जिंदगियां कैसी रंजिशों का शिकार है, कभी भी मायूस ना हो। खुदावंद सबको जानने वाला खुदा है। बुजुर्ग मूसा को खड़ा किया और खुदा का कलाम बयान करता, मौजज़ात करके समंदरों का सीना चीर के खुदावंद ने अपने लोगों को आजाद किया। गोया उन नेकों के लिए, रास्तबाजों के लिए, ईमानदारों के लिए ये बात साबित हुई कि वो खुदा की निगरानी में थे और खुदावंद ने अपने जोरे बाजू से उन्हें आजाद करवाया। मेरे चीजों खुदा का कलाम ये बयान करता है कि देखें, पाक कलाम के अंदर लिखा है कि वो रास्ता जो ईमानदारों के लिए जिंदगी का रास्ता बन गया था, फिराउन और उसकी फौज के लिए तबाही और हलाकत का रास्ता बन गया। क्यों? खुदावंद की आंखें हर जगह है, वो नेकों और बदों दोनों की निगरान है, वो दोनों को अजर देना जानता है। खुदा का कलाम कहता है वो शरीरों की अदालत करना और ईमानदारों की हिमायत करना उसे बड़ी अच्छी तरह से आता है। लिहाजा आज खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है अपनी जिंदगियों के अंदर। मेरे जीजों, रोजों के आयाम में इसीलिए खुदा के साथ ठहरा जाता और रुका जाता है कि हम अपनी जिंदगियों की असलाह करें। अगर बदकारी वाली जिंदगी है, गुनाह वाली जिंदगी है, तो याद रखें खुदावंद की आंखें हर जगह, नेक और बदो दोनों की निगरान। खुदावंद यीशु मसीह ने इसीलिए अपने शागिर्दों को सिखाया था, आपने फरमाया था कि जो कुछ लोग कोनों खुदरों के अंदर, कोठों के अंदर, कान के अंदर एक दूसरे के कहेंगे, कोठों पर उसकी मरादगी की जाएगी। और कोई चीज ऐसी छुपी ढकी नहीं है जिसे खुदा नहीं खोलेगा, इसलिए कि खुदावंद की आंखें हर जगह है, अनेकों बदों दोनों की निगरान है। दाऊद की तरह से, जिसका हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, खुदा का खौफ रखने वाला शख्स था और अपनी तैश में, गुस्से में, ज्यादती में, जुल्म में खुदा के कलाम को याद रखना बहुत बड़ी बात होती है। उस शख्स के बारे में लिखा है कि जब उससे गुनाह सरजद हुआ, खुदावंद के हुजूर गया, कहने लगा, खुदावंद मेरा गुनाह हर वक्त मेरे सामने रहता है, मैंने वो काम किया जो तेरी नजर में बुरा है, मैंने बदी में सूरत पकड़ी और गुनाह की हालत में अपनी मां के पेट में पड़ा, जूफे से मुझे धो, जूफे से मुझे धो, मुझे पाक कर, साफ कर, तो मैं पाक होगा। और खुदा का कलाम बयान करता है, लिखा है कि मुस्तकिम रूह मेरे जो है वो बातन में डाल, पाक दिल मेरे अंदर पैदा कर, खुदा का कलाम ये बयान करता है, इसलिए कि गुनाह उसकी जिंदगी में आ गया था। यही वो आयाम है
क्योंकि वो जानता था कि खुदावन की आंखें उसे देखती रहती हैं और देखती हैं। फिर यहां से मैंने शुरू किया था, वहां से वापस आ जाता हूं कि अगर एमसाल की किताब के मुताबिक 15वां बाब और उसकी 3री आयत कि खुदावन की आंखें हर जगह हैं, वो नेकों और बदों दोनों की निगरान है, अगर ये अकीदा इंसान की जिंदगी में ठहर जाए, ये ईमान बन जाए, उसकी सारी जिंदगी संवर सकती है। वो दुनिया में भी सुरखुरु हो सकता है और आखिरत में भी और अपने खानदान में भी। खुदावन से दुआ है आज के कलाम के वसीला से हम सब को बड़ी बरकत दे। आइए भी